क्या आपको क्या लग रहा है, ये भी नया घोटाला है कोई? सर ये नया घोटाला है, ये आपके सामने ही है, ये टेंडर दिखा देंगे, कई लाखों रुपए का टेंडर कर दिया और सफाई कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ तोड़ के गए हैं। ये जो मार्केट वाले हैं ज्यादा उस टाइम उछल रहे थे कि कट्टर को बनाया, सीएम बना दिया और ये कर दिया वो कर दिया, जब से ये बना जब से तो नाश ही कर दिया देश का ऊपर जी ना। वैसे तो अगर किराए पे मकान देते हैं ना तो हम सोच समझ के देते हैं कि भाई एक किराएदार जो है ना मतलब फैमिली वाला होना चाहिए। हमने इनको सालों को मतलब वो दे दिया, देश दे दिया, प्रधानमंत्री ना उसकी औलाद है ना साला इसकी खट्टर की औलाद है ना किसी की है, इनको क्या पता लगेगा भाई औलाद का दर्द क्या होता है। जो मरते हैं गरीबों के मरते हैं, जो यहाँ से निकलेंगे वो मतलब चोट खाएंगे वो गरीबों के, उन्होंने तो यहाँ से निकलना नहीं, वो तो जाएंगे तो बढ़िया गाड़ियाँ बढ़िया वो होगा उस रोड पर निकलेंगे, यहाँ क्यों आएंगे वो। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि मंदिर मार्केट में पिछले दो दिन से नगर निगम करनाल की ओर से लगभग 12 के आसपास जो गटर हैं इनके ढक्कन खोले गए थे और पूरे के पूरे जो गटर के ढक्कन है खोलने के बाद ना तो यहाँ पर कोई सफाई हुई, बल्कि कभी ई रिक्शा, कभी मोटरसाइकिल, कभी एक्टिवा तो कभी स्कूटर यहाँ पर गिर जाता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी मंदिर मार्केट के अंदर आपको खुले हुए गटर के ये देखिए बड़े बड़े होल नज़र आएंगे और रोज़ाना पिछले दो दिन से लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और लगातार कभी मोटरसाइकिल से कभी ई रिक्शा से लोग यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं। लोगों का सवाल है कि आखिर ये कैसी स्मार्ट सिटी है, ये कैसा सीएम सिटी है जहाँ पर लगातार इस तरह की जो बेहुदगी है नगर निगम की ओर से लगातार की जा रही है और लोगों को सामने से दिख जाए कि यहाँ पर गटर का होल है, इसके लिए इस तरह से किसी ने बोरी लगाई हुई है, किसी ने पत्थर लगाए हुए हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शायद दो दिन बाद भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाए और गटर के ढक्कन यहाँ से या तो उतार कर ले गए हैं और या फिर वो गटर के जो ढक्कन है वो टूट कर यहीं पर बिखर गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ये मंदिर मार्केट है जिसे स्कूटर मार्केट, बाइक मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि आना जाना लोगों का बाइक्स की रिपेयर सेल परचेज यहाँ पर होती है। लेकिन किस तरह से आम लोगों की जो जान है वो खतरे में डालकर नगर निगम के अधिकारी ये बड़े बड़े होल कर छोड़ गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर आज शनिवार है, कल रविवार है, दो दिन सरकारी छुट्टी है, अगर इन दो दिनों में कोई बड़ा हादसा हो गया, आपने 50,000 लाख रुपया किसी को मुआवजा दे दिया तो क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? सर आपका क्या नाम है, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हाँ जी मेरी दुकान है, शोभित गुप्ता मेरा नाम है जी। ये कब से करके गए हुए हैं? ये परसों रात गटर का एक भी ढक्कन खोलने की कोशिश नहीं की गई है, सीधा घन ला के तोड़े गए हैं सारे के सारे ढक्कन। और जो तोड़े गए हैं जो भी अंदर से गंध निकला है ना जी, वो गंध सिर्फ मलबा है, मलबा है जो गटर के ढक्कन का टूट के गिरा अंदर। कोई सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं, सिर्फ ये अभी भी सरकार से किसी तरह पैसे ऐंठ लिए जाए, सिर्फ वो तरीका है। आपको लग रहा है भी जो गटर के ढक्कन के नाम पे पैसे ऐंठने के लिए तोड़ के चले गए हैं? पहले तो ढक्कनों के पैसे मिल जाएंगे, फिर सफाई के नाम पे पैसे मिल जाएंगे। कोई सफाई नहीं हुई जी, क्या निकला? कुछ भी नहीं। ढक्कन कहाँ पे है जो इसके ढक्कन उतरे? ढक्कन का सारा मलबा पड़ा है जी, सारा का सारा ढक्कन का। हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं उस टाइम, रोका नहीं, क्यों कर रहे? मैं रात को यहीं था, मैंने उसको बोला है मैं ढक्कनों खोलने की कोशिश करूँ, कहता नहीं ये सभी जाम है, ये खुलेंगे नहीं, तोड़ने ही पड़ेंगे। और कहते हैं कि अगले दिन हम ये ढक्कन साथ के साथ लगा के जाएंगे, मार्केट का काम है। अभी दो दिन हो गया कोई ढक्कन नहीं लगे, कल भी एक्सीडेंट हुआ है, कल ई रिक्शा गिरी है मेरी दुकान के आगे, हमने उठाई है। अभी आपके सामने एक एक्टिवा गिर रही थी बच गई, आज सुबह एक एक्टिवा गिरी है ढक्कन के अंदर और लड़का साइड में गिरा, उसे चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी उठ के तो चला गया, लेकिन चोट तो देखो थोड़ी बहुत लगती है, चोट थोड़ी बहुत लगती है। अंकल जी कब से ये ढक्कन इस तरह से खोल के गए? रात से खुली है जी, ये रात के लगभग 9 बजे के बाद आए हैं और सुबह हम जब मार्केट में एंट्री करी है तो सारे ढक्कन टूटे पड़े थे, ना सफाई हुई है, गंद वहीं गिर गया, सारा ढक्कन कोई भी साथ नहीं है जी, ढक्कन कोई भी साथ नहीं है। आगे और दिखा देते हैं, ये देखिए जहाँ तक चलते जाएंगे आपको इसी तरह से जो खुले हुए मेन होल के ये देखिए होल किस तरह से गटर के जो होल हैं वो दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने अपनी गाड़ियां अब इस तरह से लगाई हैं। दिखा दीजिए एक बार कि कम से कम कोई हादसा ना हो, कोई इस गटर के यानी कि होल के अंदर ना गिर जाए। यहां पर सवाल ये है कि कौन सी सफाई करने के लिए खोले गए थे, जबकि अंदर से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई गंदगी अंदर नहीं है। विकास जी आपने भी सुबह कई तस्वीरें भेजी,
ये क्या बात है, हर काम मुख्यमंत्री जी को ही करनाल में आके करवाना पड़ेगा, हर काम हम फेसबुक पे खबर चलाएंगे, पोस्ट डालेंगे, डीसी को दिखाएंगे, तब जाके काम होंगे क्या? सर शायद ये निगम का कोई नया टेंडर निकलना होगा जैसे ढक्कनों का, या काफ़ी सालों के चेंज नहीं हुए और शायद किसी बड़े हादसे की इंतजार हो रही है, जो ये इतने मतलब जो काम दो घंटे में होना चाहिए दो दिन में, अब अगले दो दिन भी नहीं होगा। सैटरडे संडे छुट्टी आ गई है, छुट्टी आ गई सरकारी, तो अगले दो दिन भी नहीं होगा, अगले दो दिन भी यहाँ पर नहीं होगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बाबू जी कब से खुले हुए हैं ये ढक्कन? ये तो मैं तो आज सुबह ही देखा है जी। क्या ऐसे खुले होने चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक काम है। और अभी भी एक एक्टिवा वाले भी गिरने लगे थे वहाँ पे? बिल्कुल, मैं भी बचा, मैं एकदम से आया तो ध्यान इतना था नहीं क्योंकि अक्सर बंद होते हैं। कितनी फीलिंग आती है कि सीएम सिटी में, स्मार्ट सिटी में रह रहे हो, कितनी फीलिंग आती है? देखो जी काम होना चाहिए, अपना तो कहना यही है, काम होना। जब टैक्सीज इतने सारे लिए जा रहे हैं, हाउस टैक्स के नाम पे, हर चीज के नाम पे दुनिया भर का पैसा लिया जा रहा है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? काम क्यों नहीं हो रहा? बहू जी आती है फीलिंग सीएम सिटी में मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र? कल भी एक गाड़ी इसके अंदर फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से सारों ने इकट्ठा हुए, एक ई रिक्शा भी बता रहे गिर गई थी और एक्टिवा वाले भी गिरे हैं। तो दिन में तो चलो नजर आ जाते हैं, रात के टाइम कोई भी अंधेरे में जाए तो क्या चाहेंगे, लगने चाहिए ढक्कन? लगने चाहिए, इसीलिए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी हैं, कह रहे हैं ढक्कन लगने चाहिए, लेकिन जब अधिकारी ही ढक्कन वाले हों तो आखिर उन ढक्कनों को लगाएगा कौन? आप देखिए कि एक और जो स्कूटर है वो खड़ा किया गया है उस ढक्कन के, ये देखिए इस होल के ऊपर एक स्कूटर खड़ा किया गया ताकि दूर से कोई आए उसके साथ हादसा ना हो। यानी कि अब इस तरह से सीएम सिटी करनाल के जो होल हैं वो इस तरह से अब भरे जाएंगे, इस तरह से उनके ऊपर स्कूटर खड़े किए जाएंगे ताकि लोग जो हैं वो हादसे का शिकार ना हो। मेरी आप सभी से ये अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से ये ढक्कन यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। दो दिन हो चुके हैं भाऊ जी, दो दिन हो गए, कोई अफसर कोई अधिकारी मौके पर आया? जी मौके पर कोई भी नहीं आया जी। आज भी हमने कम से कम 10 जगह इनकी डाली है भाई, मतलब इनकी कवरेज फटाफट करो ताकि कोई हादसा ना हो पाए, इसलिए जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप होल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुए हैं। और पूरी मंदिर मार्केट के जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी 12 से 15 होल हैं जो यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। भाऊ जी आप कब से देख रहे हो ये? कल से देख रहे हैं जी, रात को इसमें कई आदमी गिर भी गया, इसमें कई गिरे भी हैं। हाँ जी, तो कौन जिम्मेवार कौन है इसको? ये तो प्रशासन जिम्मेवार है, कमेटी वाला जिम्मेवार है, जिन्होंने होल खोदे हैं और जो टूटे पड़े हैं कम से कम ढक्कन तो उनको लगा दो, अंदर से बदबू आती है इनमें से। कोई सफाई भी करके गए हैं? कोई सफाई नहीं करे, आपके सामने सारा कचरा पड़ा जाए, आपके सामने सारा। कहीं ये भी घोटाला तो नहीं है अभी नए ढक्कनों के नाम पे पैसे हिट लें? हो सकता है। फीलिंग आ रही है आपको ऐसी? जी फीलिंग आ रही है ऐसी कि हो सकता है कि जो मेन होल के ढक्कन लगाने के नाम पर पैसे हैं वो ऐंठने हो। और नगर निगम करनाल के यानी कि कारनामे लगातार आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह से इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से भागता किस तरह से है वो आपके सामने है। कोई भी अधिकारी, ये देखिए और भी आगे जी, अच्छा सारे ऐसे ही हैं, ये देखिए अगले ढक्कन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी ढक्कन ये लीजिए, यानी आम आदमी को देखिए मरने के लिए किस तरह से छोड़ दिया गया है। आम आदमी की जान शायद किसी जानवर की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। और ये देखिए एक और यहाँ पर जो होल है वो किस तरह से खोलकर जो नगर निगम के अफसर हैं वो यहाँ से चले गए हैं, और लोगों ने किसी ने पत्थर यहाँ पर लगा दिए, किसी ने स्कूटर ऊपर खड़ा कर दिया है कि कम से कम कोई हादसा यहाँ पर ना हो। सर यहाँ पे कोई लगता है आपको एक्सीडेंट हो सकता है? हो सकता है। जिम्मेवारी किसकी होगी? ये प्रशासन की है सर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। बहू जी कब से देख रहे हैं ये? भैया तीन दिन हो गए। कोई कल रात को ना, ये आपके सामने बड़ा बस बार, ये गंद पड़ा हुआ है और ये रात को बंदा लाइट नहीं थी और यहाँ हमने पत्थर यहाँ कर दिया वाला, इधर कर दिया था, इधर करते सारी ये तो बंदा ऊपर चढ़ा और सीधा यहीं कर गया दीवार के साथ ही, बच गया। यानी कि नहीं तो ई रिक्शा नहीं गिरी, उधर गिरी है आगे गिरी है, यहाँ तो मोटरसाइकिल रात को बच गया, लाइट थी नहीं यहाँ, राइट में थी। कोई मर जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही होगा जी, और कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है आपको भी? लोग तो कह रहे हैं कि ढक्कन नए लगाने का कोई टेंडर टूंडर करना होगा इन्होंने। ढक्कन पिछली बार ही तोड़ गए थे, उसके बाद इन्होंने नया लगाया, फिर इन्होंने निकाला नहीं है, इनको फिर तोड़ के निकाला दोबारा। जानबूझ के तोड़े गए हैं। पहले भी इन्होंने तोड़ा था निकालने के लिए, तोड़ा था, उसके बाद इन्होंने फिर नवा लगाया। क्या लगवाया? 15 दिन बाद लगा था, उसके बाद फिर अब इन्होंने निकाला नहीं है, अभी मेरे ख्याल से
चार पांच महीने के बाद निकाला नहीं है, फिर तोड़ा इन्होंने दोबारा तोड़ के गए हैं, अगले वाला तो इन्हें तोड़ा है, सरिया बाहर निकाल रखे हैं, आगे देखो आगे और टूटा पड़ा है। सर ये आपको क्या लग रहा है, ये भी नया घोटाला है कोई? सर ये नया घोटाला है, ये आपके सामने ही है, ये टेंडर दिखा देंगे, कई लाखों रुपए का टेंडर कर दिया और सफाई कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ तोड़ के गए हैं, आप देख सकते हो कोई गंद नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, सिर्फ दिखा दिया, इसमें सरकार दिखा देगी ये 1 करोड़ रुपए का ढक्कन लगा दिए, बस ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। फीलिंग आती है कभी कभी सीएम सिटी स्मार्ट सिटी, ये हमारे जो मार्केट वाले हैं ज्यादा उस टाइम उछल रहे थे कि कट्टर को बनाया सीएम बना दिया और ये कर दिया वो कर दिया, जब से ये बना जब से तो नाश ही कर दिया देश का। और सीढ़ी चढ़ा के हाथ डाला था, सीढ़ी रख के हाथ डाला था खट्टर साहब को, यहाँ हमारे भाई साहब ने नोटों को डाला था कि फूलों को डाला, फूलों को डाला, नोटों को डाला, सीढ़ी सीढ़ी रख के डाला जी, अपनी जान की बगैर परवाह करे कि बंदों पर गिर के हड्डी टूट जाए, ऐसा फिर भी ऊपर जी ना। वैसे तो अगर किराए पे मकान देते हैं ना तो हम सोच समझ के देते हैं कि भाई एक किराएदार जो है ना मतलब फैमिली वाला होना चाहिए, हमने इनको सालों को मतलब वो दे दिया, देश दे दिया प्रधानमंत्री, ना उसकी औलाद है ना साला इसकी खट्टर की औलाद है ना किसी की है, इनको क्या पता लगेगा भाई औलाद का दर्द क्या होता है, जो मरते हैं गरीबों के मरते हैं, जो यहाँ से निकलेंगे वो मतलब चोट खाएंगे वो गरीबों के, उन्होंने तो यहाँ से निकलना नहीं, वो तो जाएंगे तो बढ़िया गाड़ियाँ बढ़िया वो होगा उस रोड पर निकलेंगे, यहाँ क्यों आएंगे वो? क्या नाम है सर आपका? मेरा हरिराम। हरिराम जी हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, हालांकि कुछ शब्दों का चयन उनका ठीक नहीं था, लेकिन गुस्से में आदमी अक्सर इस तरह बोल जाता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल की मंदिर मार्केट से। ये वही मंदिर मार्केट है जिस मंदिर की दुहाई देकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन मंदिर मार्केट के हाल क्या हैं वो आपके सामने है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से यहाँ का जो कम से कम ढक्कन है, लाखों रुपए से लगाते हैं या करोड़ों से लगाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ढक्कन लगा कर ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।